अस्सलाम वालेकुम फोर क्लास, होप यू ऑल विल बी फाइन एंड सेफ एंड डूइंग योर वर्क वेरी वेल। ओके, टुडे आर टास्क इज़ टू डू रिवीजन ऑफ वर्कबुक पेज नंबर 4 एंड 5। ओके ओके, लेट्स स्टार्ट इट्स रिवीजन। देर इज़ क्वेश्चन एंड आंसर पार्ट। ओके, आंसर द क्वेश्चन। बट ऑल द ट्विग्स एंड स्ट्रॉ वर ब्लोन अवे बाय लास्ट वीक स्टॉर्म, said the little hummingbird in a sad voice. Why was the bird sad? Okay, this is the question, and the answer is because her nest was broken in that storm. Okay, question number 2 is, when the bird asked for bubble gum, the girl was dash and dash. Clue mein two different feelings aapne likhi hai. To the girl was surprised and happy. Jab bird ne usse bubble gum manga tha to wo hairan ho gayi thi aur khush bhi thi ki usne mujhse kuch manga hai. नंबर 3 देखें, द गर्ल वॉज अनॉयड व्हेन द बर्ड आस्क्ड फॉर मोर बबल गम ऑन द सेकेंड डे, इज इट ट्रू और फॉल्स? इट इज़ फॉल्स, क्योंकि गर्ल बिल्कुल अनॉय नहीं हुई थी। नंबर 4 इज, हमिंग बर्ड च्यूड 4 रेड बबल गम एंड 7 ऑरेंज बबल गम, शी ऑल्सो एट 8 ब्लू बबल गम्स एंड 3 बिग बबल गम्स ऑफ वाइट कलर, बट शी थ्रू अवे रेड बबल गम्स। हाउ मेनी बबल गम इन द bubble gums the bird had all together and how many are left now? Okay, ये थोड़ा सा mathematical question है आपका। Red bubble gum कितने थे हमारे पास? 4। Orange bubble gums कितनी थी? 7। Blue bubble gums कितने थे? 8। और white bubble gums कितने थे हमारे पास? 3। ठीक है, तो all together इनको इकट्ठा करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 22। जो उसने फेंक दिए, कौन से फेंक दिए थे? She threw away red bubble gums। तो red कितने थे हमारे पास? 4। ठीक है, 3 ओवे, तो 4 जब निकालेंगे तो हमारे पास लेफ्ट ओवर्स में कितने आ जाएंगे? 18 बबल गम्स। ये आपका छोटा सा एक मैथमेटिकल क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डिड द गर्ल लाइक द कंपनी ऑफ दैट बर्ड? हाउ कैन यू टेल? गिव एटलीस्ट 2 एग्जांपल्स टू सपोर्ट योर आंसर। अच्छा, इसमें 3 क्वेश्चन हैं। डिड द गर्ल लाइक द कंपनी ऑफ दैट बर्ड? यस, द गर्ल लाइक द कंपनी। ठीक है, हाउ कैन यू टेल? गिव एटलीस्ट 2 एग्जांपल्स। बिकॉज शी फेल्ट द एब्सेंस ऑफ दैट बर्ड। ठीक है, एंड शी इंजॉयड हर सॉन्ग। ठीक है ना, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। पेज नंबर 5 है आपका। क्वेश्चन नंबर 6 इज, देयर वॉज समथिंग अनयूजुअल अबाउट द नेस्ट दैट द गर्ल सॉ, व्हाट वॉज इट? के अनयूजुअल चीज़ क्या थी जो उस गर्ल ने देखी उस बर्ड के नेस्ट में? तो वो क्या था? शी सॉ द बर्ड सिटिंग इन रेड ऑरेंज एंड ब्लू नेस्ट। कि उसने देखा कि एक बर्ड, वो जो बर्ड है वो रेड ऑरेंज और ब्लू नेस्ट में बैठी हुई है, जो यूजली रेड ऑरेंज और ब्लू नहीं होता, वो ट्विग्स एंड स्ट्रॉ का बना हुआ होता है। तो उसने चूँकि बबल गम लेके बनाया था तो दैट वाज अनयूजुअल थिंग इन दैट नेस्ट। ओके, हाउ कैन यू क्रिएट न्यू एंड अनयूजुअल यूजेज ऑफ बबल गम? कह रहे कि क्या आप नई चीज़ें और अनयूजुअल चीज़ें बना सकते हैं बबल गम से? तो यू कैन डू जॉ एक्सरसाइजेज। आप जब बबल चुबाते हैं तो उससे जॉ एक्सरसाइज होती है। टू जॉइन ब्रोकन थिंग्स, टूटी हुई चीज़ें जोड़ने के लिए भी आप बबल गम का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट में आपके पास लेबलिंग है, आपको नीचे दिए हुए स्पेसिफिक वर्डिंग्स दी हुई है, आपको आपने उसके अकॉर्डिंग लेबलिंग कर लेनी है। वाइज ये काम आप लोगों का पेज नंबर 4 एंड 5 डन है, जिन लोगों का नहीं डन वो कंप्लीट कर लें, इसको लर्न करें और इसकी फिर हम नोटबुक प्रैक्टिस करेंगे। नोटबुक प्रैक्टिस के लिए जैसे कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या था, डिक्टेशन वर्ड्स का पेज। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे इसका वर्कबुक पेज नंबर 4 एंड 5 की प्रैक्टिस। ठीक है, आप लोगों ने इसी तरह टाइटल पेज को प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे हम लोग, डेट मेंशन करेंगे 30th April 2021 एंड द डे टुडे इज़ फ्राइडे। टॉपिक लिखेंगे, जिस तरह लास्ट डे हम लोगों ने टॉपिक लिखा था द हमिंग बर्ड हु च्यूड बबल गम, एंड आर एक्ट इज़ प्रैक्टिस वर्कबुक पेज नंबर 4 एंड 5। ठीक है बॉयज़, इसी तरह आप लोगों ने ब्लू पॉइंटर के साथ क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेना है और 4 क्लास आंसर्स आप लोगों ने पेंसिल के साथ देने हैं। ठीक है, आंसर्स यू विल राइट विद पेंसिल। ओके, आंसर दीज क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, इसी तरह आप सेंटर में, पेज के सेंटर में लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, फिर आप क्वेश्चन लिखेंगे
डैश 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 इन्वर्टेड कोमास में, बट ऑल द ट्विग्स एंड स्ट्रॉ वर ब्लोन अवे बाय लास्ट वीक स्टॉर्म, सेड द लिटिल हमिंग बर्ड इन अ सैड वॉइस, व्हाई वॉज द बर्ड सैड। ठीक है, आपने इसका यहाँ पे आंसर लिख लेना है। ठीक है, और आंसर बेटा आप देख के नहीं लिखेंगे, आपकी जो लर्निंग है उसके अकॉर्डिंगली आप इसको सॉल्व आउट करेंगे, जैसे आप अपना टेस्ट करते हैं। ठीक है, ये आपकी लर्निंग प्रैक्टिस है। नेक्स्ट पेज पे उसी तरह आप डेट और डे मेंशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इज, डिड द गर्ल लाइक द कंपनी ऑफ दैट लिटिल बर्ड, हाउ कैन यू टेल, गिव एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल टू सपोर्ट योर आंसर। ठीक है, इसका आंसर आप लिखेंगे नीचे। एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज, देयर वॉज समथिंग अनयूजुअल अबाउट द नेस्ट दैट द गर्ल सॉ, वॉट वॉज इट। ठीक है, उसका आंसर आप नेक्स्ट पेज पे जहाँ पे आपके पास स्पेस आती है उसका आंसर लिख लेंगे। इस तरह आंसर सेंटर में लिखेंगे और नीचे आप नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में आंसर लिख लेंगे। आंसर लिखे बेटा, ये जो प्रैक्टिस है आपकी इसको आप मुझे फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, और जो बच्चे अपनी प्रैक्टिस को फॉरवर्ड करेंगे उनकी अटेंडेंस मार्क होगी, जो लोग ये अपनी प्रैक्टिस को फॉरवर्ड नहीं करेंगे बेटा जी, आपकी अटेंडेंस फॉरवर्ड नहीं होगी, आपकी अटेंडेंस मार्क नहीं होगी। इसलिए अपने टेस्ट को प्रिपेयर करें और इसकी प्रैक्टिस मुझे भेजें। और लास्ट डे मैंने आपसे कहा था कि मुझे अपनी रीडिंग की वीडियोस भेजें, तो मेरे पास कोई वीडियो रिसीव नहीं हुई बेटा आपकी। तो प्लीज़ कुछ थोड़ा सा इंटरेस्ट लें इन चीज़ों में। फोर्थ क्लास, यू आर नॉट बेबीज़ के जिनको मामा पकड़ के या कोई पकड़ के काम करवाएगा। डू योर वर्क बाई योर सेल्फ, ओके, एंड सेंड इट टू मी। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।